वेलकम बैक टू एवरीवन। फिर से स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। मेकअप आजकल एक नेसेसिटी सा बन गया है। सब सोचते हैं कि मेकअप के बिना हम खूबसूरत लग ही नहीं सकते, इसलिए कंपलसरी डेली अपने स्किन पे इतना मेकअप करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, यही मेकअप आगे चल के हमारी स्किन को इतना डैमेज कर देता है, हमारी एजिंग सिस्टम को भी फास्ट कर देता है। तो क्या हम मेकअप ना करें? जी हाँ, मेकअप जरूर से करें, लेकिन कभी कभी स्किप भी कर दे, अपनी स्किन को नेचुरली ब्रेथ करने दे, अपनी स्किन की जो नेचुरल ब्यूटी है ना उनको भी निखरने दे। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी 5 टिप्स शेयर करूंगी ना जिससे आप नेचुरल ब्यूटीफुल लग सकते हैं। आपको कोई भी केमिकल मेकअप का यूज नहीं करना है। तो चलिए जानते हैं वो टिप्स क्या है। टिप नंबर 1 है, आपको डेली स्किन रूटीन फॉलो करनी है। डेली स्किन रूटीन में आपको कोई 10-12 टिप को फॉलो नहीं करना है, सिर्फ आपको अपने फेस को दिन में 2 बार वॉश करना है। अपनी स्किन को जो सुटेबल हो ऐसे फेस वॉश से दिन में 2 बार अपने फेस को वॉश करें और फिर स्किन में टोनर लगाए और मॉइस्चराइजर लगाए। दिन में सिर्फ 2 बार फेस वॉश करने से भी आपकी स्किन में ग्लो दिख सकता है, क्योंकि आपकी जो डेड स्किन रहेगी ना वो रिमूव हो जाएगी। और हफ्ते में 1 बार अपनी स्किन को स्क्रब जरूर से करें, उससे भी आपकी डेड स्किन रिमूव होगी और आपकी स्किन में ग्लो दिखेगा। टिप नंबर 2, लिप केयर। अगर आपके लिप ऐसे ही ड्राई दिख रहे हैं ना तो वैसे भी आपकी स्किन डल लगने वाली है, लेकिन उसके लिए आपको अपने लिप्स का एक्स्ट्रा ध्यान रखना है। अपने लिप्स पे हफ्ते में 2 बार स्क्रब करें, उसके लिए हनी और शुगर मिक्स करके अपने होठों पे रब करें। उससे आपके लिप्स एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे, ग्लोसी हो जाएंगे और जो डेड स्किन रहती है ना लिप्स की वो सारी रिमूव हो जाएगी। इस तरह आप अपने लिप्स को पिंक रख सकते हैं और अपने लिप्स को सॉफ्ट रख सकते हैं, इससे भी आपकी खूबसूरती में बढ़ावा होगा। अब बात करते हैं टिप नंबर 3, अंडर आई पैचेस। हम कंसीलर और फाउंडेशन क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमारे अंडर आई जो पैचेस रहते हैं ना वो छिप जाए और हमारी स्किन इवन लगे। तो उसके लिए हमें नेचुरली क्या करना है कि उसके लिए आप कोई भी अच्छी सी अंडर आई क्रीम खरीद ले और अंडर आई क्रीम का यूज करें। उससे भी आपके अंडर आई एरिया की ब्लैकनेस चली जाएगी। और ये नहीं कर सकते हैं तो आपके घर में जो ककड़ी रहे ना, तो ककड़ी को रात को सोते समय आंखों पे रख दे, या तो दिन में भी 2 से 3 घंटे ककड़ी की स्लाइस को आंखों पे रख दे, फिर उसे हटा ले तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे आपके डार्क सर्कल जो है ना वो दूर हो जाएंगे। इस तरह अगर आपके आई के एरिया में जो डार्क सर्कल नहीं रहेंगे ना तो उससे भी आपकी खूबसूरती में बढ़ावा हो सकता है। और उसके लिए मार्केट में भी अंडर आई पैचेस की सीट्स मिलती है, वो अगर आप लगाएंगे ना उससे भी आपको उसमें एक्स्ट्रा सीरम मिलता है और अंडर आई एरिया जो है ना वो उसकी ब्लैकनेस चली जाती है। तो अपनी आंखों का भी इस तरह से आप ख्याल रख सकते हैं। टिप नंबर 4, कोकोनट ऑयल। आप सभी जानते हैं कोकोनट ऑयल हमारी स्किन के लिए कितना फायदेमंद है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक स्कूली ब्रश लेना है। वो ब्रश को हमें वर्जिन कोकोनट ऑयल में एड करके उसे अपने जो ये पलके रहती है ना और आईब्रोज रहती है ना उस पे लगाना है और अपने पलकों पे भी लगाए। उससे क्या होगा ना, आपको ऐसा फील होगा कि आपने मस्करा लगाया है। मस्करा से जैसी ये पलके दिखती है ना वैसी वो दिखेंगी। तो इस तरह आप यहाँ मस्करा की जगह इस तरह कोकोनट ऑयल को लगा सकते हैं और मस्करा जैसा लुक पा सकते हैं। और साथ ही अगर आपकी स्किन ड्राई है तो वो कोकोनट ऑयल को आप ब्लश की जगह पे लगा सकते हैं, तो भी आपकी स्किन एकदम ग्लोइंग दिखेगी। टिप नंबर 5, अच्छा सा कोई लिप बाम खरीदे। लिप बाम अपने होठों पे लगाने से भी हमारे होठ एकदम सॉफ्ट रहते हैं और कलर लिप बाम से हमारे होठ कलर भी रहेंगे और हमारे होठ एकदम सॉफ्ट भी रहेंगे। और साथ ही मैं आपको एक ये टिप्स बताना चाहूंगी कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट है तो मैटर नहीं करता कि आप कैसे दिख रहे हैं, आपकी स्किन टाइप क्या है, आपका लुक क्या है। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंट है तो आप वैसे भी खूबसूरत लगने वाले हैं। हम मेकअप क्यों करते हैं? क्योंकि हम सबके बीच में खूबसूरत लगे। अगर आप कॉन्फिडेंट है, आपका स्माइली फेस है और आप पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं ना तो वैसे भी लोग आपके प्रति अट्रैक्टिव होने वाले हैं। तो ये थी कुछ आसान सी टिप्स जिसमें आप बिना मेकअप के भी खूबसूरत लग सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।